Hello everyone, today we will start chapter 2, Is Matter Around Us Pure? इसे पहले हमने first chapter discuss किया था, we discussed first chapter, in that chapter we discussed about the matter and the properties of matter, characteristics of matter and state of matter. तो इस chapter में हम matter को detail study हम करेंगे और इस chapter में जो उसका नाम है Is Matter Around Us Pure? There are two terms, matter and pure. First, we will understand the two terms, matter. जैसा कि हमने first chapter में study किया था कि any substance that has mass and occupies space is called matter. For example, table. Table का अपना एक mass होगा and it occupies space. Means we can consider table as a matter. Like chair. Chair has its mass and it occupies space. तो chair भी क्या होगा आपका solid matter. Same. Cold drink. Cold drink is a liquid matter because it has mass and occupies space. तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होती है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना मास होगा जो स्पेस ऑक्योपी करेगा वो आपका मैटर होगा. नाउ मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं. एक होगा आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कुछ जो सब्सटेंसेस आपके सॉलिड कैटेगरी में आएंगे, कुछ आपका लिक्विड कैटेगरी में, कुछ आपका गैसेस कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज अ मैटर बट इट इज़ अ गैसियस मैटर एंड वाटर इज़ अ लिक्विड मैटर. लाइक स्टोन, स्टोन इज़ अ सॉलिड मैटर. नाउ हम यहाँ पे एक बात समझेंगे कि जितने भी मैटर्स होते हैं उनको यदि हम ब्रेक करें तो फाइनली हम एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे. मीन्स दैट इज़ कॉल्ड एटम्स. मीन्स कोई भी सब्सटेंस आपका, कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल से बना होगा. लाइक सॉल्ट है, घी है, आपका वाटर है, फोन है, चॉक है, तो वो सभी आपके पार्टिकल से बने होंगे. इफ़ कोई सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा, इफ़ अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स यू कैन से द मैटर इज़ प्योर. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. इफ़ अ सब्सटेंस consists of a single type of particles, then we can say it is a pure substance. तो आपको अभी मैंने चैप्टर का जो नेम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वो आपको मैंने समझाया कि मैटर क्या होता है और वट काइंड ऑफ मैटर वी कंसिडर्ड एज अ प्योर. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूँगा. हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure. कि हम इनको किस तरह से जज करेंगे कि these substances are pure or not. देखिए when we buy these substances, when we buy ghee, when we buy milk, when we buy salt, तो उनके ऊपर लिखा होता है कि pure ghee, pure milk, pure salt. बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस. सेम घी इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है मिल्क, हम मिल्क से स्टार्ट करेंगे कि मिल्क इज़ अ प्योर सब्सटेंस और नॉट. तो हमारा आंसर क्या होगा, मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस. तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज देखिए मिल्क में क्या होता है, मिल्क में फैट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, विटामिन्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ परसेंटेज आपका वाटर होगा. मींस मिल्क में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स होंगे. मैंने अभी आपको समझाया प्योर सब्सटेंस consist of a single type of particles, but when we take example of milk, then it consists of different type of particles. Proteins के भी particles हैं, fat के भी particles हैं, आपका water particles भी हैं, vitamins भी है. तो we cannot consider it as a pure substance. Same second example, ghee. देखिए ghee is a मिक्सर ऑफ मिल्क एंड अदर सब्सटेंसेस. तो घी में भी क्या होगा आपका, घी में मिल्क होगा, मिल्क के अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस होंगे. मींस इट कंसिस्ट ऑफ टू अ मोर देन टू पार्टिकल्स, टू डिफरेंट पार्टिकल्स. वी कैन से दैट घी इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर. सेम थर्ड इज बटर. बटर कंसिस्ट ऑफ फैट.
water, proteins and some other substances. Means butter में भी आपके different different तरह के types के particles होंगे. Then we can say that butter is not a pure substance. Next, salt. Now salt, if nothing is mixed in the salt, if salt के अंदर यदि salt वाले ही particles होंगे जो अभी हम salt लेते हैं, if it consists of only salt particles, then we can say that it can be pure, it is pure, right? Second, spices, same. Spices में भी क्या होगा आपका, spices में आपका यदि एक ही तरह का आपका, यदि आप चिली पाउडर लेके आते हो और चिली पाउडर में आपका चिली पाउडर ही हो, means same particles ही हो, then it is pure, otherwise it will not be pure substance. Next is mineral water. देखिए mineral water क्या होता है, suppose you add salt in water, then it can considered as mineral water. But यहाँ पर आपको समझना होगा, you can understand that कि in mineral water there is water and some minerals like salt, means two different type of particles. Water के भी particles हैं, salt के भी particles हैं, then you can term as impure substance. It is not pure substance. Next, juice. देखिए जूस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस है ना. यहाँ पे आप जैसे मैं एग्जांपल आपका लेना चाहूँगा जूस के लिए, जैसे आपका ऑरेंज जूस है, तो ऑरेंज जूस इज नॉट प्योर बिकॉज ऑरेंज जूस, अब आप जब ऑरेंज जूस आप देखते हो तो उसमें यू कैन सी दैट इन ऑरेंज जूस देर इज सॉलिड पल्प एंड लिक्विड ऑल्सो, मीन्स उसमें लिक्विड भी पार्टिकल्स होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स भी होते हैं साथ साथ में उसमें सॉलिड पल्प भी होगा. सेम एप्पल जूस, इट इज़ नॉट प्योर बिकॉज एप्पल जूस में भी क्या होगा, इट्स अ मिक्सर ऑफ सुगर, डिफरेंट टाइप ऑफ सुगर उसमें होगा, विटामिन सी भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे. देन वी कैन सी दैट हेयर मिल्क इज़ नॉट प्योर, घी इज़ नॉट प्योर, बटर इज़ नॉट प्योर, आपका मिनरल वाटर इज़ नॉट प्योर एंड जूसेज आर not pure that we buy from the market. Okay, अभी मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, प्योर why they are not pure, because they are made of different type of particles, they consist of different type of particles, that's why they are not considered as a pure substance. Next, have you ever noticed that the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration, means pure means no mixer, like milk. If we do not mix water in the milk, then it is pure. Common person, according to the common person, it means that if we do not mix water in the milk, then it is pure. But milk is not pure. Even we are not adding in water in the milk, then it is not pure because it consists of different particles like fat particles, proteins, lipids. But for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances, hence not pure because it consists of different substances. For example, milk is actually a mixture of water, fat, proteins. That's why it is not pure substance. It is impure substance. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. Means they are same in their chemical nature. We cannot separate them physically. A pure substance consists of a single type of particles. For example, if we take pure salt, it means it has only salt particles. Pure water, it has only water particles. Understood? In other words, a substance is a pure single form of matter, only having single particles. अभी यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, particles means आपका in particles आपका element हो सकता है, compound. Element also considered as particles and compound also
कंसिडर एज अ पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल्स को टू टाइप टू कैटेगरी में आप डिवाइड करोगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल एस टू हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, एच टू मीन्स एच प्लस एच, एच और एच होगा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मीन्स यू कैन से दैट इट इज प्योर बिकॉज इट हैज सेम टाइप ऑफ एटम, इट हैज सेम टाइप ऑफ एटम्स. If a substance having same type of atom, then it is called element, like O2, oxygen gas. Oxygen gas, O2, means same type of atoms. It is element. Element को आप particles कह सकते हो. Means if a pure substance consists of same type of, pure substance consists of a single type of particles, या single type of elements. Like compounds, like for example H2O. अभी देखिए H2O का यदि हम एग्जाम्पल सब करते हो तो H2O में डिफरेंट एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इट इज़ नॉट मिक्सर, इट इज़ कंपाउंड. वाई? बिकॉज इट हैज़ ओनली वाटर, वाटर पार्टिकल्स, इसमें आपका वाटर पार्टिकल्स ही होगा. या आप इसको समझ सकते हो H2O में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आपका होगा वो सेम रेशियो होगा. अभी हम जो इनका रेशियो है वो अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कंपाउंड्स. तो अभी आपको ये समझना है कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर प्योर एंड ऑल कंपाउंड्स आर प्योर. एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे बात होगी आपकी मिक्सचर की. देखिए मिक्सचर क्या होगा, अभी जैसे कि प्योर सब्सटेंस हैविंग ओनली सिंगल पार्टिकल्स, मिक्सचर में आपको टू और मोर देन टू पार्टिकल्स उसमें होंगे. आपके आपके टू एंड मोर देन टू पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस में यदि वो होते हैं तो देन यू कैन से इट इज़ मिक्सचर. फॉर एग्जांपल देखो सी वाटर, आप जब सी वाटर को ऑब्जर्व करोगे तो सी वाटर में वाटर होगा आपका, साथ में उसमें मिनरल्स होंगे, उसमें ऑर्गेनिज्म होंगे. देन यू कैन से इट कि इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स सी वाटर इज अ मिक्सचर, इट इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस. सेम आपका मिनरल्स होगा, सेम आपका सॉइल होगा. देखिए सॉइल में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, सैंड होगा, मीन्स डिफरेंट पार्टिकल्स आपके होंगे. दैट्स वाई दे ऑल आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर. नाउ द नेक्स्ट इज What is mixture? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter. Means mixture में आपके two or more than two particles होंगे जिनका कोई fixed ratio नहीं होगा. ध्यान से समझिए, आप यदि two और two more than two particles एक fixed ratio में होंगे then they are considered as pure. But if they are not in fixed ratio then you considered it as a mixer. We know that dissolved sodium chloride, देखिए dissolved sodium chloride means it is a mixer or it is pure substance. देखिए sodium chloride it is a common salt that we use it in our home. Sodium chloride is a pure substance, but when we add, but when we mix it with water then it is becomes mixer, because sodium chloride and water they are two different type of particles, means and they mix in a different ratio, means we can consider dissolved sodium chloride as a mixer and it can be separated from water by the physical process of evaporation. देखिए when you heat the dissolved sodium chloride then water goes up in the form of vapor and only salt you get. It means you can say that कि mixer can be separated with the physical method because evaporation is a physical process. देखिए फिजिकल प्रोसेस क्या होगा आपका, जैसे आपने वाटर को बॉयल किया, वाटर आपका स्टीम फॉर्म में आया बट स्टिल इट इज़ वाटर, देन यू कैन से दैट दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. तो
तो मिक्सर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, बट वी कैन नॉट सेपरेट प्योर सब्सटेंस विथ फिजिकल मेथड। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज इट सेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट एंड इट हैज़ ओनली सॉल्ट पार्टिकल, दैट्स वाई वी कैन टर्म इट एज अ प्योर सब्सटेंस। बट वैन वी मिक्स सोडियम क्लोराइड बट वैन वी मिक्स सॉल्ट इन वाटर देन इट बिकम्स मिक्सर बिकॉज इट हैज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट वी कैन नॉट सेपरेट सॉल्ट बाय केमिकल मेथड, वी कैन सेपरेट इट, बट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड फिजिकली वी कैन सेपरेट इट। सिमिलरली सुगर इज अ सबस्टांस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज अ प्योर सबस्टांस। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक इज नॉट अ प्योर सबस्टांस, सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सर बिकॉज इन सॉफ्ट ड्रिंक देर इज कार्बन डाइऑक्साइड, देर इज सुगर एंड सम अदर सबस्टांसिस। And soil are not a single form of substance, it consists of different type of particle. So we can say that soft drink and soil, they both are mixer. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristics property. Whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristics property, but soft drink and soil have different type of particles. So we can say that a mixer contains more than one pure substance. Okay, तो आज हमने जो हमारा टॉपिक था वो ओनली था कि कैसे हम सबस्टांस को क्लासीफाई करें एज अ प्योर और मिक्सर। टमोरो वील डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। तो आपको यदि ये टॉपिक आपको यहाँ तक आपको समझ में आया तो इट्स ओके। इफ़ आपको इसमें कोई डाउट है तो इन कमेंट बॉक्स यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। Thank you.